मुजफ्फरपुर बिहार में एक बड़ा जमावड़ा हो रहा है कल से, और ये जमावड़ा हो रहा है गंगा जी के जो संकट है, राष्ट्रीय संकट है पूरे गंगा बेसिन पर। जो गंगा बेसिन 8 राज्यों में है, गंगा और उसकी सहायक नदियों पर जो संकट है और वहां रहने वाले लोगों पर जो संकट है, करीब 40% आबादी भारत की गंगा और उसके सहायक नदियों पर निर्भर करती है, तो उस संकट पर एक राष्ट्रीय विमर्श का आयोजन कल से 3 दिन के लिए मुजफ्फरपुर में हो रहा है। आज उसकी वहां तैयारियां चल रही हैं। गंगा को निर्मल रहने दो, गंगा को निर्मल रहने दो। पहले तो ये हमें बताइए अनिल प्रकाश जी, ये जो है गंगा के उत्तर का हिस्सा है और हिमालय पास में है, माने बीरगंज वगैरह भी पास ही में है। बीरगंज से नेपाल का बॉर्डर शुरू होता है, तराई का इलाका शुरू है, इसीलिए अभी गंगा बेसिन में ये 8 राज्य और नेपाल और बांग्लादेश सब शामिल है, इवन की पाकिस्तान शामिल है। सिंध की लड़कियों का 15 दिन पहले एक आ गया था मेरे पास नृत्य का, जिसमें मछली उछली के बारे में कह रही थी, और सिंध के मल्लाहों का जो संगठन, एक समय चांडियो मुनीर अहमद थे वकील थे और उसके फिशरमैन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी थे, शायद हैं कि नहीं लेकिन उनके शिष्य लोग हैं, उन्होंने भेज दिया हमारे पास, और कोशिश करेंगे कि कल ऑनलाइन जुड़ जाएं, और बांग्लादेश के लोग भी ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट लोग। अब दिक्कत क्या होगी कि पटना में होना था, अब 3 किसी को अमेरिका जाना है नेक्स्ट डे, तो वो अब उस वजह से ऑनलाइन जुड़ेंगे बहुत सारे लोग, लेकिन काफी लोग जिसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं और पॉलिटिशियंस भी हैं, जो ऑनेस्ट पॉलिटिशियंस हैं अली अनवर जैसे लोग, वो लोग भी इसमें रहेंगे। उसके अलावा अभी हमने यहाँ के फॉर्मर एक एमपी को कहा है कि भाई आप शामिल होइए, वो भी फिशिंग कम्युनिटी के ही हैं, तो इसमें सब तरह के लोग हैं, और मल्लाहों के प्रतिनिधि हैं, आपको किसानों के प्रतिनिधि हैं, जिन जो जो स्टेक होल्डर जिनकी सबसे तबाही हो रही है, सबसे ज्यादा आधी आबादी चूंकि मल्लाहों की है फिशिंग कम्युनिटी की, तो नाव और उन पर पेट नदियों के किनारे होता ही है, नेचुरल है, तो उनके पेट पर लात पड़ी है करोड़ों लोगों के, और जबकि सबके ऊपर पड़ा है, नहाने वाले जो है छठ करने वाले उनको भी दुर्गति है। इस पे हम बात कर ही रहे हैं कि भाई बहुत सारे लोगों का वो हुआ, आप ये बताइए कि सम्मेलन स्थल पर क्या क्या तैयारियां हो चुकी हैं मुजफ्फरपुर में? हॉल वगैरह हम लोगों को फ्री मिला था, तो कुर्सी उर्सी का खर्चा लगेगा और खाना बनाने वगैरह का, चावल और गेहूं इकट्ठा हो चुका है, सुबह 9 बजे आ जाएगा, तो रात के खाने के लिए कुछ 5-10 किलो आटा खरीद रहे हैं सुनील जी वगैरह, लेकिन सुबह आ जाएगा 2 क्विंटल चावल, 2 क्विंटल आटा और 1 क्विंटल चूड़ा पोहा जिसको कहते हैं आप लोग, वो आ जाएगा। उसके अलावा सब्जियां वब्जियां भी हो सकता है आ जाए, और उसके अलावा चंदा दे रहे हैं लोग, क्राउड फंडिंग से भी अकाउंट में पैसे आ गए, तो हॉल हॉल में सब चल है, जन सहयोग से आप इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। अभी क्या कुछ लोग पहुंच गए हैं डेलीगेट्स वहां? हाँ, नेपाल के 3 डेलीगेट्स पहुंच गए हैं, और अभी आधे घंटे 1 घंटे के अंदर झारखंड के 5-7 साथी आने वाले हैं, बाई कार आ रहे हैं, उसमें भागलपुर से भी 2-3 लोग आएंगे, लेकिन रात में 9 बजे ट्रेन आती है भागलपुर से, क्योंकि कल सुबह हम 10 बजे से उनको उपस्थित रहना चाहते थे, इसलिए कल की ट्रेन से हमने कहा कि नहीं, तो वहां से मेरा ख्याल है कि रात तक 80 से 100 लोग पहुंच जाएंगे, और ट्रेन से आएंगे 9 बजे। खाने वाने का इंतजाम कर रखा है यहाँ के रिसेप्शन कमेटी ने। क्या उम्मीद है कि कल से कितने लोग शामिल होंगे सम्मेलन में और कहां कहां से आएंगे? हम मानते हैं कि देखिए डायरेक्ट जो शामिल होंगे, ऑनलाइन शामिल होंगे उनकी अलग है, लेकिन जो डायरेक्ट शामिल होंगे जिनका कंफर्म है, उसमें राजस्थान के लोग भी आ चुके हैं, 1 प्रतिनिधि, 1 या 2 इधर उत्तर प्रदेश के बनारस के मिर्जापुर के इलाहाबाद वालों का कुछ पता नहीं चल रहा है क्योंकि फोन लग नहीं पा रहा है, लेकिन उनको आना चाहिए। उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश बिहार हरियाणा पंजाब राजस्थान और बंगाल झारखंड,
इतने का तो असम से चंदा उंदा तो आ गया है, हमें अकाउंट में देखा कि रविशंकर रवि ने 5,000 रुपया भेजा है, एक फोन भेज दिया था एक साथी ने, अभी उज्जैन से एक व्यक्ति का फोन आया जो नदियों पे संघर्ष कर रहे हैं, कमलेश परिहार, तो अभी जस्ट आधा घंटा पहले, तो उन्होंने कहा आ तो नहीं पाएंगे, अगर लिंक हो तो भेज दीजिएगा, लेकिन भविष्य में वो इस लड़ाई में दिल्ली से आ गए, पूना से आ गए, पटना पहुंचे हुए हैं सब, और दो लोग पुणे से आ गए हैं और दिल्ली से भी आ गए हैं कुछ लोग, और दिल्ली में तो बाकायदा मुझे संक्षेप में थोड़ा ये बताएंगे कि गंगा मुक्ति आंदोलन जो संस्था है उसने मुजफ्फरपुर और आसपास बिहार में गंगा जी को लेकर के अभी तक क्या आंदोलन किया, क्या उसकी उपलब्धियां रही हैं? देखिए 19 कहलगांव में एक छोटा सा गांव है जो 542 बस घर थे, आज लगभग 1,000 घर हो गए हैं, लोग तो जानते हैं चूल्हा को घर कहते हैं हम लोग, मतलब भाई भाई में बंटवारा हो जाता है, अलग अलग चूल्हे हो गए या झोपड़ी बन गई, नहीं भी झोपड़ी बनी तो एक आंगन में भी, उस हिसाब से लगभग 1,000 परिवार हैं। उससे हम जब 82 में जाके उन्होंने बुलाया, उन लोगों ने, हम रहने लग गए वहां, और कुछ साथी हमारे जयमंगल थे, प्रदीप विद्रोही, प्रदीप प्रदर्शी वगैरह वगैरह, कुछ साथी आके रहने लगे हमारे साथ, और कुछ कैजुअली आते थे भागलपुर के लोग, तो उस बस्ती में 7 साल हम रहे थे, तो उस बस्ती में तो समझिए परसों मीटिंग हुई थी, हम ऑनलाइन जुड़े हुए थे, तो कह रहे थे कि एक हर घर से एक आदमी आएंगे, हम 1,000 कोई रैली है जो आएंगे, तो पटना का जो प्रोग्राम था वो अलग तरह का था, उसमें अंतिम दिन 10,000 लोग जुटने वाले थे पूरे जगह से, लेकिन वो पहली तो लड़ाई हुई कि जमींदारों और ठेकेदारों का कब्जा था पूरे, मतलब 500 किलोमीटर में गंगा में, तो 80 किलोमीटर में पहले जमींदारी थी वो टूटी, 90 आते आते पूरा नो टैक्स कैंपेन चला, उसके बाद पूरे 500 किलोमीटर में वो सैकड़ों लोग मारे जाते उसमें हमारे, लेकिन उसमें क्या हुआ कि किस तरह की जमींदारी थी, मतलब फिशिंग की जमींदारी थी, मछली पकड़ने वाले के ऊपर बहुत टैक्स था, बहुत ज्यादा जमींदारों का, मिडाइवल पीरियड से, मुगल पीरियड से पट्टा मिला हुआ था दो लोगों को, तो वो तो टूट गई, जगन्नाथ मिश्र जी मुख्यमंत्री थे उस समय, काफी जबरदस्त संघर्ष हुआ, उसके बाद हम लोगों ने एक नाव का जुलूस निकाला कुरसोला से पटना तक, और उसके बाद डिक्लेयर किया गया इंजीनियरिंग कॉलेज घाट पर कि ये पूरा में टैक्स बंद कर देंगे, अब कुछ साथी अप्रिहेंसिव थे कि गोली वोली चलाएंगे वो लोग, मारे जाएंगे हमारे सैकड़ों, लेकिन हम नाम लेना चाहेंगे आज, कुछ सीनियर आईएएस ऑफिसर्स जिनको आज तक डिस्क्लोज नहीं हुआ, बीडी शर्मा, सबसे ज्यादा तो केबी सक्सेना, और जिनके बारे में कर्पूरी जी जब मुख्यमंत्री से बोलते थे देव तुल्य अधिकारी, तो शंकरन, बीएन जुगांधर, इन लोगों ने साइलेंटली इतनी मदद की, हर जिले में घूम गए और डीएमएसपी को कह दिया कि तुम्हारा काम ये नहीं है कि आंदोलनकारियों को गिरफ्तार करो, कंप्लेन कहाँ है, एफआईआर कहाँ है, तुम्हारा काम है जो गूंस हैं जो जमींदारों के ठेकेदारों के इलीगल तरीके से करेंगे, मारेंगे पीटेंगे, तो उनको अरेस्ट करो, अगर उन्होंने साइलेंटली ये काम नहीं कर दिया होता हमारा, आज पहली बार मैं इसको डिस्क्लोज कर रहा हूँ, उन लोगों को सलाम कर रहा हूँ, वो ना होते, इसलिए ब्यूरोक्रेसी में भी हमारे समर्थन में थे और लोग, और दूसरी की जितने पत्रकार थे, यंग साहित्यकार थे, संस्कृति कर्मी थे, किसान थे, सबका अलायंस खड़ा किया, इतना आसान काम नहीं है ये करने में, 82 से लेके 90 तक में आप अंदाज लगाइए कि 8 साल लगे थे, और 7 से 8 साल, और उसके बाद पूरे गंगा में स्प्रेड किया, और नाव का जब जुलूस निकल के आए थे हम लोग, तो एक जगह से 50 नाव चली, फिर आगे वो वापस हो गई, और फिर वहां से 60 नाव चली, 70 नाव, इस तरह से 300-400-500 नाव पटना पहुंची थी, और हजारों हजार लोग और डकैत लोग आए, और उनको भी कहा कि हम बंदूक फेंक देंगे, 100 से ज्यादा बंदूक फेंकवा चुके हैं, नहीं तो आज हम लोग जिंदा नहीं होते, और सैकड़ों मल्ला लोग मारे जाते जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो अलग कहानी है, किसी दिन वो आपको स्टोरी बताएंगे कि कैसे वहां बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी जयप्रकाश नारायण के, और बिना किसी विनोबा भावे के वो कैसे हुआ था, और नहीं तो सैकड़ों लोग मारे जाते, जिंदा नहीं रहते हम लोग, फिर भी हत्या हुई, 8 मल्लाओं की हत्या हुई एक बार, और
लेकिन फिर भी एक कास्टवार होने का खतरा था, क्योंकि गंगोता कम्युनिटी जो आज पूरी तरह से गंगा मुक्ति आंदोलन से साथ है, गंगोत्री समाज करके 1000 लोगों का सम्मेलन हुआ था अभी, उसका नेता लोग हम लोगों के पूरे साथ आप वोट लेके 400-500 पटना पहुंचे, तो उसके बाद आंदोलन के फिर क्या किया सरकार ने उसमें मांगो? वहां डिक्लेयर किया गया कि हम टैक्स बंद कर देंगे। वो टैक्स बंद कर दिया विद इन ए वीक पूरे गंगा में, और एक साल तक वो स्ट्रगल चला। वो बहुत कठिन दौर था और बहुत रिप्रेशन वगैरह भी हुआ, जो हमने बताया कि वो लोग नहीं होते, और मतलब और भी बहुत तरह के लोग। फिर लालू यादव ने बुलाया, मुख्यमंत्री थे उन पर जो कॉन्ट्रैक्टर्स का बहुत प्रेशर था, और जमींदारी तो खत्म हो गई थी भागलपुर वाली, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर एक एक जगह से एक एक जिले से करोड़ों रुपए की तसीली होती थी, और महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन होता था। तो लालू यादव ने बुलाया, हमने क्या होता था कि हम किसी जुलूस में आगे नहीं रहते थे और डेलीगेशन में नहीं जाते थे, ये नियम बना रखा। डेलीगेशन में जाना है उनका 3 घंटे तक पूरी ट्रेनिंग होती थी, तो इसलिए कि लोकल लीडरशिप बने, कि अगर हम लोग ना रहें या मारे जाएं कोई लीडर, या बिक जाएं या डर जाएं, वैसी हालत में भी मूवमेंट नहीं कमजोर होना चाहिए। तो 3 बार हमने भेजा डेलीगेशन, 3 बार भगा दिया कि अनिल को बुलाओ तो हम तो खैर क्या करते हैं गए, और सेम डे से अफसरों को बुला के उसी रात में गजट हुआ और सारा पूरा 500 किलोमीटर का फ्री फिशिंग का डिक्लेरेशन हो गया, और अखबारों में फ्रंट पेज पर। एक तो आपकी बड़ी उपलब्धि आप लोगों के आंदोलन की, ये जो जन आंदोलन आपने खड़ा किया 8 साल, उसमें ये रही कि जो गंगा पर मछलियां निकालने का पर जो टैक्स लगता था मल्लाहों से जमींदार वसूलते थे, वो आपने खत्म करा दिया। और कोई बड़ी उपलब्धि? मैंने जनता ने करा दिया, हम तो उनके मददगार थे, हम तो एक सिपाही हैं। आंदोलन ने करा दिया, तो और कोई बड़ी उपलब्धि? जी, उसके बाद असल में हम लोग सीखे, मल्लाहों से सीखे। वो क्या हुआ कि नाव पर एक दिन मतलब घूम रहे थे छठू सैनी के नाव पर, तो छठू सैनी ने कहा कि अरे इतना तैयारी हो गया तो जमींदार और ठेकेदार को, तो जमींदार को तो भगा ही दिया, अब ठेकेदार को भी भगा देंगे पूरे गंगा से, फर्क कब राज तोड़वाइए। हमने कहा क्यों भाई? तो बोला 80% मछली खत्म हो गई, पूरी लिस्ट गिना दी 67 मछलियों की वैरायटी खत्म हो गई, कि कैसे समुद्र से आती थी मछली मेल ट्रेन के स्पीड में और चली जाती थी ऋषिकेश में, ठंडे पानी में ब्रीडिंग होती थी, कैसे झींगा मछली की ब्रीडिंग खारे पानी में होती है। तो फरक्का बराज बन गया और गड़बड़ हो गया। तो फिर हम लोग एक बार तो एक सप्ताह के बाद एक सम्मेलन हुआ, उसमें प्रस्ताव आया कि फरक्का बराज को तोड़वाओ, तो हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से समझा बुझा के रोका, भागे एक बड़े रिनाउंड साइंटिस्ट थे डॉक्टर बिलियामी के पास, बॉटनी के, और डॉक्टर दत्ता मुंशी के पास भागलपुर यूनिवर्सिटी में। ठीक है कि छोटी यूनिवर्सिटी में थे, लेकिन वो वर्ल्ड रिनाउंड साइंटिस्ट थे इस बारे में उस दौर के, और सोशल वर्कर भी थे बिलगामी साहब। दत्ता मुंशी तो नहीं थे, लेकिन मीटिंग्स में भी जाते थे ह्यूमन राइट्स वगैरह को लेकर के भी। तो उनको हम गए सीधे और बोले कि ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहे, बोले एकदम ठीक बोल रहे हैं, हमारी रिपोर्ट लीजिए 60 पेज की, इसमें भी 67 मछलियों की सूची है। तो फिर हम लोग सोचे कि फीस लेटर क्या होता है भाई, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में गए तो वो समझ में नहीं था, नक्शा बना के बताया कि फिश लैडर क्या होता है, बराज में स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर मैंने हर चीज का एक तरह से, गंगा मुक्ति आंदोलन के जो नौजवान लोग थे वो एक तरह से, और क्या क्या नुकसान हुआ मछलियों के अलावा? जब फरक्का बराज नहीं था तो गंगा में अमूमन 100 से 150 फीट फ्लड के टाइम में उड़ाई हो जाती थी, डिसिल्टिंग नेचुरल प्रोसेस में 75% तो चला जाता था, खेतों में उपजाऊ मिट्टी बिक जाती थी, और दूसरा होता था कि नीचे बांग्लादेश में चला गया, बांग्लादेश होके समुद्र में चला जाता, टापू बनते रहते हैं, बराबर बनते हैं, क्योंकि हिमालय से सिल्ट आता है, और बहुत वो वरदान है समझिए, मिसिसिपी घाटी में जो फर्टाइल लैंड है जिस तरह से अमेरिका की, उसी तरह की फर्टिलिटी है यहाँ के सिल्ट में। अब क्या हुआ कि आपने हिमालय की हजामत कर दी, सारे जंगल काट दिए, अब नतीजा ये हुआ कि सीधे पानी जो पर जड़ों के माध्यम से, झाड़ियों के माध्यम से, पत्थरों के टुकड़ों में जमा के झरनों से आता था, अब इस बार क्या हुआ, इस बार पानी बरसा कम
और ओवरफ्लो हो गया, तो बहुत जैसे लगा कि फरक्का का साइड वाला तोड़ तोड़ देगा। तो ठीक है, मैं संक्षेप में बातचीत के लिए, मैं तो एक मुद्दा तो आपका भी ये बरकरार है कि फरक्का बराज की वजह से मछलियां जो है वो उनका उत्पादन कम हो गया, मर गई या नहीं आती। दूसरा फ्लड का है कि बिहार में बाढ़ बहुत आती है। आप ये बताइए कि इस सम्मेलन में जो कल से होने जा रहा है मुजफ्फरपुर में, आप किन और मुद्दों पर चर्चा करेंगे? आप लोग प्रमुख मुद्दे एक तो कि गवर्नमेंट भागलपुर में डॉल्फिन सेंचुरी बना दिया, तो डॉल्फिन सेंचुरी जो है, डॉल्फिन तो मरती है किससे? डेड वाटर जोन से, मौत का इलाका जो कल कारखानों के कचरे से, सुपर थर्मल पावर स्टेशन की वजह से। अब ये उनको गिरफ्तार कर लेते हैं कि ये जो रिजर्व एरिया है यहाँ डॉल्फिन का एरिया है, यहाँ मछली मत पकड़ो नहीं तो अरेस्ट कर लेंगे। खैर भागलपुर मुंगेर में ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत अभी भी स्ट्रांग है और हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो बॉन्ड पर दस्तखत करा के छोड़ देते हैं उनको। एक आज केस में जेल से छुड़वाना पड़ा। लेकिन आप जब पूरे गंगा में प्लान है, सभी नदियों में डॉल्फिन सेंचुरी बनेगा, इसका मतलब मल्लाहों को खदेड़ना है, क्योंकि आप बाटा शू फैक्ट्री पर कोई कार्रवाई नहीं करते। कहलगांव थर्मल पावर स्टेशन जो डेड जोन बना रहा है मैंने कचरे से, या और भी यूपी में भी है, बंगाल में भी है, तो उस पे आप उसके जनरल मैनेजर को, उसके मिनिस्टर पर नोटिस नहीं भेजते हैं और इसको मल्लाह को पकड़ के मन कर देते हैं। तो भाई डॉल्फिन तो पहले भी था, मल्लाह लोग डॉल्फिन का मांस तो खाते नहीं है, डॉल्फिन का कभी मारते नहीं है, उनके जाल में फंस जाए तो निकाल के फेंक देते हैं, मतलब पानी में डाल देते हैं। लेकिन ये जो मल्लाहों को फिर क्यों गिरफ्तार करते हैं, क्यों परेशान करते हैं पुलिस? वो उसको उस जोन को 80 किलोमीटर में उन्होंने डॉल्फिन का सेंचुरी बना दिया है, अभयारण्य घोषित कर दिया। कोई जाए उधर, कोई न जाए। हाँ मल्लाह लोग भाग जाए। और बनारस में आप देख रहे हैं ना कि किस तरह से क्रूज ले आया गुजरात की कंपनियां, अब हजारों जो मोटर बोट हैं बनारस के, वो बेचारे भूख से मर रहे हैं, उनको कोई काम नहीं मिल रहा है। तो ये सब इश्यूज भी हैं हमारे। और इसको आपका ये हो गया कि जो मल्लाहों की बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और उनका उत्पीड़न, इसके अलावा ये बताइए, नहीं एक सेकंड, जो गंगा में पूरा प्रदूषण चालू होता है और गंगा का पानी जो नरोरा के बाद नहीं आ पाता है, वही सब लोग बांट लेते हैं, दिल्ली चला जाता है, पश्चिम यूपी चला जाता है, तो और क्या मुद्दे हैं आपके गंगा में जो प्रदूषण है? बता रहा हूँ। देखिए नदी में एक तो कल कारखाने सुपर थर्मल जी, एक तो कल कारखाने और सुपर थर्मल पावर स्टेशन है, हम कह रहे हैं सोलर बिजली के क्यों नहीं बनाते हो तुम? हम क्यों महंगा 3 रुपए में कमीशन के बाद भी, घुसखोरी के बाद भी 3 रुपए में बिजली पर यूनिट देने को कोई भी कंपनी और 2 साल में बना देता है, वो आप नहीं बनाना चाहते हैं, 20 रुपए वाली बिजली बनवा रहे हैं। और अगर एनवायरमेंटल कॉस्ट और हेल्थ कॉस्ट जोड़ लिया जाए, कैंसर हो रहा है लोगों को, एवरेज एज घट रहा है कहलगांव वगैरह में, और मर रहे हैं, तपेदिक की बीमारी हो रही है, 300 लोग तो कहलगांव में मर गए थर्मल पावर स्टेशन के कारण, कैंसर से मर गए, हजारों लोगों को कैंसर है। तो ये बात हम लोग 40 साल से कह रहे थे, लिख रहे थे। तो अब जब वहां पर बक्सर में बन रहा है थर्मल पावर स्टेशन, तो संयुक्त किसान मोर्चा और गंगा मुक्ति आंदोलन मिलकर उसके प्रोटेस्ट कर रहा है, और हम अब ये पीरपैंती में बनाने जा रहे हैं 2100 मेगावाट का, 11,000 करोड़ का। तो ये जो है हम लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि विनाश का कारण बन। दूसरा, एक फरक्का बराज से तो तबाही हुई, अब 7 बराजेज बनाने जा रहे हैं नेपाल के बॉर्डर पर। तो हम लोगों ने इनको कहा है, बिहार सरकार को, सेंट्रल सरकार, कि ये नहीं बनाइए, क्योंकि एक तो विनाश हुआ है, इससे महाविनाश होगा। लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं होते हैं, डायलॉग करने के लिए मुख्यमंत्री हमसे तैयार नहीं है। जो मुख्यमंत्री को सीएम हाउस में फोन कीजिए कि अपॉइंटमेंट चाहिए, 3 घंटे के अंदर वहां से बहुत अफून आता था कि मुख्यमंत्री जी बात करेंगे और बात हो जाती थी। उनके मिनिस्टर वाटर रिसोर्स के 5 मिनट में रिंग बैक करते थे, आज वो सुनने को तैयार नहीं। हम तो यही पूछ रहे हैं कि तो तीसरा मुद्दा ये हुआ कि ये जो बड़े कारखाने हैं या थर्मल पावर स्टेशन है जो गंगा के किनारे बन रहे हैं और इनसे लोगों का नुकसान हो रहा है, कैंसर हो रहा है, राख वहां की गिर रही, एक तो ये हो गया, और क्या मुद्दे हैं जिससे कि गंगा निर्मल
निर्मल और अविरल गंगा के लिए और क्या मुद्दे हैं आपके? एक तो की बराजेज मत बनाइए, 94% बराजेज फेर कर चुके हैं दुनिया में और यूरोप अमेरिका में तोड़े जा रहे हैं। और दूसरा कि हाई डैम बनाने का जो शब्द बाग दिखा रहे हैं नेपाल में, ये तो बहुत नुकसानदेह होगा। इसके बारे में किसी दिन अलग से बात करेंगे, लेकिन हाई डैम के शुरू से गंगा मुक्ति आंदोलन विरोध करता रहा है, तो उसको इशू है। नेपाल के साथियों को भी हम लोगों ने बुलाया है, क्या उन्होंने खुद से फोन करके कॉन्टेक्ट किया? मतलब हम सोच रहे थे कुछ काठमांडू तो की बुलाएं, लेकिन इधर से तो लड़ाकू लोग जो कमला वाले आंदोलन में हैं और भी हैं, वो सब लोग आ गए हैं और सुबह तक और लोग भी आ जाएंगे, देव नारायण यादव वगैरह भी आ जाएंगे। जो उधर जी आपने, आप बहुत बिजी हैं इस समय और आपको ये इतने बड़े सम्मेलन की तैयारी करनी है जो कल से शुरू हो रहा है गंगा बेसिन की समस्याओं पर, जिसमें समस्या ये है कि बड़े डैम न बनाए जाएं, पावर स्टेशन वगैरह गंगा के किनारे न बनाए जाएं और गंगा को जो है प्रदूषण मुक्त रखा जाए ताकि डैम न बनाए जाए, अविरल और निर्मल गंगा बहे। तो ठीक है, अब कल आपके सम्मेलन में जो चर्चा होगी उस पर फिर आपसे बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए आपको हम अनुमति देते हैं, आप अपनी तैयारियों में लगिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत धन्यवाद। निर्मल रहने दो, नदियों को निर्मल रहने दो,